तो चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके कैसे एक एंड्रॉइड ऐप डेवलप कर सकते हैं, वो भी एग्जाम रिजल्ट का ऊपर में, तो चलिए इस वीडियो में देखेंगे। सो हाय गाइस, मेरा नाम है मनोज, आप सभी को स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल में। तो जैसे हमने थंबनेल में बताया है, तो सारे डिटेल्स में हम समझेंगे कैसे एक चैट जीपीटी आपको पता है 1 मिनट में कोड बना के दे देगा। सिंपल में कोड को कॉपी पेस्ट करेंगे एंड हमारा होस्टिंग में इस्तेमाल करेंगे, एंड आपको वेब व्यू क्रिएट करके कैसे एक एंड्रॉइड ऐप डेवलप कर सकते हैं। बहुत ईजी तरीका है, जो लोग नया है बहुत मजा आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, एंड चैनल को जो अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड चलिए कंप्यूटर में बताएंगे कि कैसे कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, एंड कोई भी नॉलेज नहीं जैसे बताया, कॉपी पेस्ट करेंगे एंड आपको और कैसे रिजल्ट लाकर डाटा को लाकर आप एक्सेल में रख के काम कर सकते हैं, वो भी डिटेल्स में समझाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को जरूर एक बार लाइक करना ना भूलिए। तो गाइस सबसे पहले हम आ जाते हैं चैट जीपीटी में। लॉगिन करने के बाद में न्यू चैट में आप लोग क्लिक कर सकते हो या आपको ऐसा दिखेगा। तो मैंने यहाँ पे कुछ टाइप कर लिया हूँ जो आपको यहाँ पे लिखा हूँ कि क्रिएटेड टेबल सी एस बी फाइल, ठीक है, एक्सेल जैसा फॉर्मेट में आ जाएगा। एंड मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा ही क्रिएट करने की देने के लिए जो ऑलरेडी मैंने क्रिएट किया था। तो सेम चीज़ नेम, नंबर एंड मार्क्स, ठीक है, आपको नंबर से ही सर्च करेंगे डाटा एंड जो नाम दोनों मिलाकर सब देखा देगा कि इस नाम पे इस नंबर पे इतना मार्क रखा हुआ है, ठीक है। इसको हम बोलेंगे कि सी एस पी फाइल, एंड इसको कैसे क्रिएट करके देगा वो अपने आप करके देगा। एंड हमने लिखा कि क्रिएट ए टेबल सी एस पी फाइल विथ 3 कॉलम्स नेम नंबर एंड मार्क्स, एंड नाउ क्रिएट ए पी एच पी कोड विथ ए फील्ड टू सर्च द नंबर, ठीक है। नंबर को सर्च करने के लिए बताया कहाँ से ना, फ्रॉम डॉट सी एस पी फाइल एंड शो द रिजल्ट इन टेबुलर फॉर्मेट विथ हेडर, ठीक है। तो हम इसको कमांड देते हैं एंड ये क्रिएट करके देगा। तो थोड़ा सा वेट करेंगे एंड देखेंगे कि कैसे क्या क्रिएट करके दे रहा है, ठीक है। तो नॉर्मली आपको सी एस पी फाइल जैसे मैंने बता रहा था सेम चीज़ आपको क्रिएट करके दे दिया। तो आप नॉर्मली एक ऐसा ही सी एस पी फाइल क्रिएट कर सकते हो, करके इसको क्या करोगे, एक्सेल में जाओगे ना तो यहाँ पे सेव लिखा रहेगा, तो सेव एज, सेव एज में आप काम करिएगा, डेस्कटॉप चुन लीजिएगा, ब्राउज क्लिक करके हम यहाँ से डेस्कटॉप चुन लेते हैं, ठीक है। डेस्कटॉप में से हम यहाँ पे क्या नाम से सेव करें, इसमें लिखा है डाटा डॉट सी एस पी, ठीक है। इसको कॉपी किया, कॉमा डिलिमिट चुन लेंगे सी एस पी कॉमा डिलिमिटेड एंड इसको करेंगे सी एस पी फाइल, ठीक है। तो इस हमने सेव कर दिया, ठीक है। तो क्या सेव किया, इसी को ही सेव कर दिया डाटा, ठीक है। एंड हमारा डेस्कटॉप में ये आइकन आ चुका है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, मिनिमाइज किया तो ये हमारा डेस्कटॉप में आ गया सी एस पी फाइल, ठीक है। तो इसको प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो लिखा रहेगा डॉट सी एस पी, ठीक है। तो ये सी एस पी फाइल हो गया, अभी ये सी एस पी फाइल क्रिएट हो गया, इसी से डाटा उठाएंगे, ठीक है। तो वो डाटा हमारा क्रिएट हो गया, एंड आपको करना क्या है, कॉपी कर लेना ये कोड, कॉपी करके पी एच पी फाइल में क्रिएट कर लेना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सिंपल में आप नॉर्मली कोई भी नोटपैड एडिटर ले सकते हो, मेरे पास जैसे ऑलरेडी एक नोटपैड एडिटर है, ठीक है, जिसका आप लोग ले से नोट प्लस प्लस कहीं पे भी आप, मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट करके इसको सेव एज कर लेता हूँ, सेव एज करके सेम डेस्कटॉप में ही रख लेंगे, डेस्कटॉप में इसका कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे इंडेक्स डॉट पी एच पी, ठीक है, एंड इसको सेव कर देंगे। तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, तो मेरा एक पी एच पी फाइल भी क्रिएट हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको टेस्ट करेंगे कि ये रन हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो उसके लिए आप कोई भी फ्री होस्टिंग यूज कर सकते हो, जीरो वेब होस्ट फ्री होस्टिंग है बहुत सारे हैं, या आप अगर प्रोफेशनल लेना चाहते हैं होस्टिंगर है, वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक है उसका थ्रू में ओपन करिए, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, डील्स मिलेगा। तो वहाँ पे बहुत सारे पॉपुलर होस्टिंग प्लान है, आप उसमें से कोई भी चुन सकते हो, बहुत बढ़िया चलते रहता है, हमारा खुद का भी इसमें है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे होस्टिंगर में किया था, तो इसी बस से हम काम करते हैं। जैसे आपको कोई भी जाते हो लॉगिन करते हो तो वहाँ पे आपको एक फाइल मैनेजर ज़रूर मिलेगा, ठीक है। फाइल मैनेजर जैसे मिलेगा तो इसका अंदर आ जाइए, ठीक है। जैसे लॉगिन होते हो कंट्रोल पैनल में आपका डोमेन वगैरह देखकर, जो भी आपको कोई भी फ्री होस्टिंग मिलेगा तो आपको फाइल मैनेजर मिल जाएगा। तो वहाँ पर पब्लिक एचटीएमएल ज़रूर रहेगा, एंड उसका अंदर कोई भी फोल्डर आप लोग क्रिएट कर सकते हो, ठीक है।
मैं काम करता हूँ, एक कोडिंग नाम का फोल्डर क्रिएट किया था एंड यहाँ पे हमने नाम देते हैं टेस्ट, ठीक है, इधर रिजल्ट लिख देते हैं रिजल्ट। अब मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लिया हूँ, तो इसका अंदर में क्या करेंगे हम ये दोनों फाइल को डाल देंगे, दोनों फाइल को हम इसका अंदर ऐसे डायरेक्ट छोड़ने से भी यहाँ पे हो जाता है, आप लोग वहाँ पे अपलोड कर सकते हो, यहाँ पे अपलोड ऑप्शन है, ठीक है। तो हमने डाल दिया, अब हमारा यूआरएल क्रिएट हो चुका है। तो हमने एक्चुअली हमारा डोमेन था सुहानी हॉस्ट नाम से था एंड उसका अंदर मैंने डाल दिया एंड इंटर मारा, तो देखोगे ऑटोमेटिक CSV सर्च नाम से एक फाइल क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो ये जो डाटा है इसका अंदर आ चुका है, हमारा डोमेन का नाम, उसका अंदर फोल्डर कोडिंग एंड रिजल्ट्स। तो डोमेन का नाम सुहानी हॉस्ट था, तो हमने ऑलरेडी सुहानी होस्ट का अंदर में होस्टिंग पैनल लिया हुआ था, ठीक है। तो जो भी होस्टिंग रहेगा तो उसका अंदर हमने पेस्ट कर दिया। अब हमें रिजल्ट क्या चाहिए था, हम रिजल्ट का अंदर में हमने ChatGPT में क्या क्रिएट करके दिया था, सॉरी हमने ऑलरेडी इसी को डाटा उठाया था, 4, 5, 6 टाइप करने से ये डाटा आना चाहिए, तो हम देख लेते हैं। तो 4, 5, 6 टाइप करते हैं एंड देखो रिजल्ट आया क्या, सेम 4, 5, देखो LS 92। अब टाइप करेंगे 1, 2, 3, 1, 2, 3 एंड इंटर मार सकते हैं, डाटा आया जन आया 85%। कितना मस्त तरीका से हुआ, वो भी कितना 1 मिनट में आपको कोड बनाकर दे दिया कौन, ChatGPT, ठीक है। अभी हमारा हो चुका है एंड डाटा हमारा भी काम कर रहा है, तो इसी को लेकर कन्वर्ट कर सकते हो, इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है, एंड ये URL को आप कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हो। इसके लिए एप्स अगर बनाना है तो आप सिंपल में आ जाइए kudlot.io, तो गूगल में सर्च कर लीजिए, स्पेलिंग यहाँ पे दिख रहा है, तो वहाँ पे क्रिएट ऐप में आ जाइए, तो c.kudlot.io, तो यहाँ पे आने के बाद लॉगिन कर लीजिए। तो यहाँ पे मेरा बहुत सारे ऐप्स है, तो मैं यहाँ पे एक क्रिएट प्रोजेक्ट कर लेता हूँ, इस प्रोजेक्ट का नाम देता हूँ एग्जाम रिजल्ट, ठीक है। आप लोग क्या कर सकते हो, आइडिया दे रहा हूँ, तो आइडिया ऐसा है, इसको फिनिश कर लीजिए। आइडिया ऐसा है, कोई भी एग्जाम आता है तो उसको डाटा भी मिल जाता है, कॉपी पेस्ट करके इसको एक्सेल में रख सकते हो एंड सेव एज CSV फाइल कर सकते हो, ठीक है। आपको जो नंबर है उस नंबर का जरिए में आप लोग उसको ढूंढ के काम में ले सकते हो, ठीक है। तो ये सिंपल में एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम लोग ऐप क्रिएट करेंगे। तो आपको सिंपल में क्या करना है, ये एक वेब व्यू लेना है, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में आ जाइएगा, यहाँ पे लेआउट में, व्यूज में एंड यहाँ पे वेब व्यूअर, तो यहाँ पे डाल दीजिए। डालने के बाद में इसका जो हाइट है इसको फुल कर दीजिए, बाकी कुछ करना जरूर नहीं है। आपने जो यूआरएल कॉपी किया था जहाँ से आपका रिजल्ट आ रहा है, तो वेब व्यू को होम यूआरएल में डाल दीजिए, हो गया काम तमाम। अब कुछ करना नहीं है, यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लीजिए APK को, ठीक है। इसमें अगर और कुछ एडवांस चाहिए तो आप लोग यहाँ पे ऑलरेडी हमारा वीडियो बना हुआ है, जाकर देखिए कूलर से कैसे ऐप बनाते हैं। तो बटन क्लिक करने से ही ये वेब व्यू खुलेगा, दूसरा बटन क्लिक करने से दूसरा वेब व्यू खुलेगा, तो ये अलग सा बना सकते हैं। हाई एंड चीज़ हम लोग ब्लॉग्स में करते हैं, ये ज़रूरत नहीं है आपको, सिंपल में ये हो गया, आप इसको टेस्टिंग कर सकते हो सिंपल में एक्सपोर्ट करके, ठीक है। एंड इसको प्ले स्टोर में भी पब्लिश कर सकते हो एंड अगर एडवर्टाइज वगैरह चाहिए तो यहाँ पे मोनेटाइजेशन में भी आपको बहुत सारे चीज़ें हैं जो आप लोग कर सकते हो एडवर्टाइजिंग, इसके लिए सेपरेट वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ पे वो एप्स डाउनलोड हो चुका है, मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ एंड आपका आँखों के सामने इसको हम दिखा देते हैं कि कैसे क्या काम करता है, ठीक है। अब इसको ओपन कर लेते हैं, देखो अभी वो वेब भी ओपन हो चुका है एंड आपको जैसे एग्जाम रिजल्ट चाहिए तो नाम चेंज कर सकते थे, हमने 1, 2, 3 टाइप करते हैं एंड रिजल्ट देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है। तो ऐसे और वीडियो जानकारी के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को लाइक करिए, इसको पसंद आया तो जरूर लाइक करिए।